अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सभी जानते हैं कि इस वक्त आलम इस्लाम किस तरह की परेशानियों से गुजर रहा है, खास तौर से फ्रांस में जो हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के कुछ बेहुदा से कैरिकेचर्स बना के वो उनसे मंसूब किया गया और उसकी फिर जवाबी जो कार्रवाई हुई उसको लेके बड़ा हंगामा मचाया गया कि ये इस तरीके से आतंकवाद से उसको जोड़ा गया कि आतंकवाद फैलाया जा रहा है। मैं सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ और ये चीज़ बहुत सुनने वाली समझने वाली बात है कि असल में ये जो प्रतिक्रिया है ये आज़ादी के ऊपर कोई हमला नहीं है, बोलने की आज़ादी पे हमला नहीं है, लेकिन बोलने की आज़ादी की अपनी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। अगर आज वो जो फ्रांस का राष्ट्रपति है मैक्रॉन, वो कह रहा है कि बोलने की आज़ादी का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उसको दिमागी रूप से अस्वस्थ बताया तो उस वक्त उसने गुस्से में आके अपना राजदूत तुर्की से बुला लिया। आपको क्यों बुरा लगा? आप तो सपोर्ट करते, लेकिन आपको अपनी खुद के बारे में जब कुछ कहा गया तो आपको बुरा लगा। वहां पे बोलने की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं थी या बोलने की आज़ादी नहीं थी। आपने अपने राजदूत को बुलाकर ये साबित किया कि बोलने की आज़ादी की एक सीमा होती है। तो जब आपके कितने फॉलोअर्स हैं, फ्रांस में आपको हर कोई पसंद नहीं करता, बहुत लिमिटेड मार्जिन से आपने चुनाव जीता और आपके कोई फॉलोवर इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम इस्लाम के पैगंबर, उनके फॉलोवर्स पूरी दुनिया में 2 मिलियन से ज़्यादा हैं और उनके बारे में अगर कोई बात कही जाए और आप कहते हैं कि सबको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो बात है ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम तक ही महदूद नहीं है, ये बात अश्लीलता और एक नंगेपन के खिलाफ मुसलमानों का एक तरीके से मुजाहिरा है कि ये मुसलमान उसके खिलाफ हैं। फ्रांस सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वो हर मजहब के खिलाफ है, वो एंटी रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते। आज से कुछ सालों पहले अगर आप देखें गूगल पे जाके सर्च करें, तकरीबन 2015 में इन्होंने गौतम बुद्ध और गणपति जो हिंदुओं के एक देवता हैं उनका समलैंगिक एक बहुत ही नग्नता से भरपूर एक चित्र बनाया था, कार्टून बनाया था। उस वक्त हिंदुस्तान से ये बात उठी थी कि बायकॉट करें फ्रांस को। आज जब मुसलमान यही चीज़ अपने पैगंबर के शान में गुस्ताखी होने की वजह से कर रहे हैं, फ्रांस का बायकॉट कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, फ्रांस को तो बोलने की आज़ादी और ऐसा करना चाहिए क्योंकि उसने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आज इस्लाम के किसी ग्रेट पर्सनालिटी की बात है, कल दूसरे मजहबों की भी बात है और पहले हो चुकी है। अभी ये क्रिश्चियन को भी इतना वैल्यू नहीं देते। कुछ दिनों पहले इन्होंने वहाँ के एक बहुत फेमस स्क्वायर के ऊपर एक नन का जो सिस्टर होती है चर्च में उनका उस फोटो लगाया। वो फोटो बहुत सारी नग्न और जो बहुत ज़्यादा वल्गर सी फोटोग्राफ्स थी उसको मिला के कोलार्ज बना के बताया गया। उनका कहना ये था कि बाहर से वो नन है, बाहर से ऐसी दिखती है, लेकिन अंदर उसके ये सब चीज़ें भरी हुई होती हैं। तो मैं जो लोग फ्रांस को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस तरह के कार्टून या जिस तरह के फोटोग्राफ्स ये बना रहे हैं, आप ये जाके अपनी माँ और अपनी बहन को दिखा सकते हैं कि ये ऐसे कार्टून बना रहा है और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरी संस्कृति और मेरे संस्कार इसकी इजाज़त देते हैं कि मैं ऐसा करूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आपकी भी ऐसे फोटो बनाए? क्या वो आप इस बात की इजाज़त देंगे या आपकी माँ और बहन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय के संस्कार इस बात को इजाज़त देते हैं कि वो इस तरह से नग्नता को सपोर्ट करें। तो बहुत शर्म की बात है कि सिर्फ इस्लाम दुश्मनी के अंदर लोग ये काम कर रहे हैं। तो आज अगर मुसलमान फ्रांस का बायकॉट कर रहे हैं तो मैं तो सभी से ये चीज़ कहता हूँ कि आप सब इसमें इसके अंदर सामने आई है और ये इसका सॉल्यूशन क्या है। लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो कैसे चलेगा, ये ऐसा आतंकवाद और ये सब चीज़ें जो कह रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब हिंदुस्तान में कोई इंसान नॉर्मल बकरे का गोश्त भी लेकर जाता है तो उसको ये कह के मार दिया जाता है कि इसने हमारी गौ माता की हत्या कर दी। अगर कोई इंसान राम के, आपको याद होगा कि जो वो महाभारत में रामायण में ये चीज़ है कि एक धोबी ने सीता के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आज तक लोग उस धोबी को बुरा भला कहते हैं। क्यों? क्योंकि तब भी तो आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए,
तो कहने की बात यह है कि आज यहां पर गणपति, गौतम बुद्ध, पैगंबर इस्लाम, इनकी बातें कल सबकी बात होगी और वो खुल के कुछ भी बना सकते हैं। एर्दोगान का अभी एक कार्टून बनाया, बहुत गंदा कार्टून, आप देखिए उसको, और अपने अगर आप फ्रांस का सपोर्ट करते हैं तो मैं तो कहूंगा आप उसका एक फोटो निकालिए और अपने घर में लगाइए, ठीक है, ताकि आपके घर के अंदर जितनी लेडीज हैं वो देखे कि हाँ हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बाप किस तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। अगर आप समझ मतलब आपको लगता है कि वो सच है, हक पर है, तो आप बिल्कुल ऐसा काम कीजिए। इसका इलाज क्या है, तो मैं इलाज बताता हूं कि ईश निंदा कानून बनाया जाए, बाल्स प्रेमी जो लॉ है वो बनाया जाए हर जगह पे, किसी भी धर्म के जो भी धर्म गुरु हैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा जाए, अगर कोई कहे तो करे। जब ऐसा होगा ही नहीं, कोई किसी धर्म के गुरु को बुरा बोलेगा ही नहीं, तो फिर न तो हिंसा होगी और न किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज है। आज जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं, आप वो लिख कर देते कि हाँ आप हमारे धर्म गुरु को गंदी गंदी गाली दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर उनको वो ये लिख कर दे भी दें तो भी मुसलमानों को फर्क पड़ता है। अगर आज कहीं भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जाएगी, चाहे वो गैर मुस्लिम करें, चाहे वो खुद को मुसलमान कहलाने वाले लोग करें, तब भी अगर कोई सही सच्चा मुसलमान है और उस जरा सा भी उसके दिल में इस्लाम बसता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि जब जब ऐसे मौके उठें, अपनी कलम चलाइए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर आप लिखिए जितना ज्यादा हो सके, और इस तरह की अश्लीलता को, नंगेपन को, इसको बायकॉट करें और अपने धर्म संस्कृति की हिफाजत करें। ये पैगाम सभी के लिए है। मुझे लगता है कि इससे हम एक सबक लेंगे कि ये बायकॉट जरूरी है, ताकि कोई भी अगली बार ऐसी कोशिश न करे। अस्सलाम वालेकुम।